मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ा ये शख्स आज कुछ बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाला कोई और नहीं जस्ता, इसकी बीवी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, धोखा इनकी बीवी ने नहीं बल्कि इन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया है। सबसे पहले तो झूठ बोलकर इनके साथ शादी की, शादी के बाद इनका जीना हराम कर दिया और आज यहाँ खड़ा होकर नाटक कर रहा है। नाटक ये नहीं जस्ता साहब, नाटक इनकी बीवी कर रही है। अगर मेरे मुवक्किल ने इनका जीना हराम कर दिया था तो इन्होंने एक एक पाई जोड़कर इन्हें पढ़ाया लिखाया क्यों? इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, एक अच्छी नौकरी मिली, अच्छे पद पर गई और जब ये पढ़ लिख ली तो उसके बाद इन्होंने इन्हें तलाक दे दिया। क्या ये सच है कि अच्छी नौकरी लगना ही तुम्हारे तलाक मांगने का कारण है? जी नहीं जज साहब, इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी करी है। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, शादी से पहले अच्छी तरह जानती थी ये कौन है और क्या काम करते हैं। जज साहब सीधी सी बात है, जिस तरह एक मर्द को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक है, उसी तरह एक औरत को भी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है और इस चीज की तो कानून भी इजाजत देता है। जज साहब, ये एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है जिसका काम तो सफाई करना है, पर इसके और इसके घर वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है और यही वजह है कि ये मेरे ऊपर बेफजूल के बेकार के इल्जाम लगा रहा है। और जज साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इसके आगे मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैडम ने सही कहा जज साहब, हम एक मामूली सफाई कर्मचारी हैं, पर दुर्भाग्य देखिए, एक सफाई कर्मचारी जिसने समाज की गंदगी साफ करी, आज उससे कहा जा रहा है कि अपनी सफाई में कुछ कहना है। कहने को बहुत कुछ है जज साहब, पर बस इतना ही कहेंगे कि हमने एक सपना देखा था समाज से एक और गंदगी साफ करने का, और वो सपना ये था कि अक्सर लड़की की शादी के बाद ससुराल में उसको बेटी नहीं बहू समझा जाता है। बहू जिसका काम होता है चूल्हा चौका करना, सास ससुर की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। हमने उससे कहीं आगे आकर अपनी पत्नी को पढ़ाना चुना, इसमें हमारा लालच था, था हमारा लालच। और लालच ये था कि हम चाहते थे कि अगर हमारे बच्चों की माँ पढ़ी लिखी होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा, हमारे साथ समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। पर हम भूल गए साहब, एक बड़ा अधिकारी सफाई कर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलता। जैसा इन्होंने कहा कि हमने इनसे धोखे से शादी करी, इन्हें पता नहीं था कि हम सफाई कर्मी हैं, क्या ये बात इन्हें इतने बड़े पद में नौकरी लगने के बाद, हमसे दो बच्चे होने के बाद पता लगी? इन्होंने हमें, हमारे माँ बाप को भला बुरा कहा, हम बर्दाश्त कर गए, पर आज ये हमें हमारे बच्चों से तक मिलने नहीं दे रही है। हम मानते हैं कि आदमी भी गलत होते हैं, बहुत आदमी गलत होते हैं, क्या हमेशा गलत होते हैं? हम ये भी मानते हैं कि औरत को ही आदमी की तरह जीने का अधिकार है, आजादी का अधिकार है, पर शादी के इतने साल बाद जैसा हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी पत्नियों के साथ बुरा होने वाला है। अगर आज इसमें कुछ सोचा नहीं गया ना, तो कल पति अपनी पत्नियों को आगे पढ़ाने के लिए सोचेंगे जज साहब। हम सफाई कर्मचारी हैं, हमें इस बात पर गर्व है,
ये भूल गई कि इनकी आगे की पढ़ाई का पैसा वही सफाई कर्मचारी के पैसों से आया था, वो फीस उसी तनख्वाह में से भरी गई थी। उस पैसे में गंदगी नहीं थी जज साहब, इनके दिल में मैल था और हम पूरा शहर साफ करते रहे मगर इनके दिल का मैल साफ नहीं कर पाए। शहर की सफाई हम देख लेंगे जज साहब, दिलों के इस मैल की सफाई आपको करनी होगी, वरना बहुत सारी औरतें अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगी जज साहब।